और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम फंड स्टाइल एंड फंड फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूं। तो फंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए आप देखें तो आपस होम में आपके पास फंड टैब में आपस फंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग है। इसके लिए क्या है कि आप यहां सबसे पहले कुछ भी टाइप करें, जैसे कि मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं फंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। यहां पे मैं मुझे कंट्रोल जी एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले फंड स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप बस यहाँ पे देखें तो बोल्ड है, जो कि एचसी शॉर्ट कमांड कंट्रोल भी है। बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोल्ड हो गया स्टाइल्स का। बोल्ड के बाद है आपका इटैलिक, इटैलिक पे क्लिक करें तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करें तो लाइन आ जाएगा, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। बोर्ड को खत्म करना चाह रहे हैं दोबारा से क्लिक करके बोर्ड को खत्म करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इटैलिक को खत्म करेंगे तो रेगुलर हो जाएगा और अंडरलाइन को पे दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। इसे इसमें शेड देना चाह रहे तो क्लिक करें तो हल्का सा शेड इस पे आ जाएगा। इसके बीच में से लाइन जाना चाह रहे तो आप स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहे तो उस पर क्लिक करें, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। और यहाँ पे आपका वेरी टाइट है, टाइट है देखें, नॉर्मल है, और भी लूज करना चाह रहे हैं लूज कर सकते हैं, वेरी लूज करना चाह रहे हैं, और मोर स्पेसिंग पे क्लिक करके आप इसे और भी ज्यादा स्पेस, जितना मर्जी आप यहाँ से स्पेस देना चाहें तो आप यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। जैसे इसको मैं देना चाह रहा हूँ 3.1, देखिए 3.1 का स्पेस इस पर आ गया। आप नॉर्मल करना चाहते हो क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल स्पेस इसमें आ जाएगा। शेड खत्म करना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे शेडो खत्म हो जाएगा, और स्ट्राइक थ्रो भी क्लिक करें तो ये भी ऑफ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास है सेंटेंस केस है, लोअर केस करते हैं स्मॉल केस में आ जाएगा, अपर केस करते हैं सारा का सारा कैपिटल में आ जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देखिए जैसे फंड का एफ है, स्टाइल का एस है, एंड का ए, कैपिटल आ गया। टॉगल केस करते हैं तो हर जो वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड आपके पास फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल में आ जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको आपने सेंटेंस केस में रख लें, सेंटेंस केस में ठीक है। इसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका सॉरी इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए एरियल ब्लैक आ गया है, एरियल नैरो आ गया, यहाँ पे काफी सारे स्टाइल है। देखिए आप कोई भी स्टाइल देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्टाइल दे सकते हैं। जो नॉर्मल स्टाइल यूज होता है वो एरियल, नॉर्मल स्टाइल जिसका यूज होता है वो एरियल स्टाइल नॉर्मल यूज होता है इसके लिए। टाइम्स न्यू रोमन इसलिए ज्यादा, ये जो आपका स्टाइल है फंड स्टाइल ये ज्यादा यूज होता है। इसका साइज कम ज्यादा करना है आप यहाँ से कम कर सकते हैं, देखें जितना ज्यादा करते रहेंगे आप यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आपका साइज का ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप ज्यादा करना चाह रहे हैं ज्यादा कर सकते हैं, कम करना चाह रहे हैं यहाँ से आप कम कर सकते हैं साइज। फंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फंड का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आपने देना आप दे सकते हैं। मोर कलर पे क्लिक करें तो काफी सारे कलर हैं यहाँ पे, आप कोई भी कलर यहाँ से देना चाह रहे हैं आप कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर टूल का फायदा ही होता है कि आप यहाँ पे देखें, मैं आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाला कलर मैंने चूज करना पड़ा। मुझे देखें यहाँ पे कलर आप चूज कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला कलर चूज कर लिया, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ
और जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वही कलर इसके अंदर फिल हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे कलर जो है तो ये वाला कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब ये वाला कलर मैं ऊपर इसको देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल चूज कर ली क्या मैंने ब्लैक कलर, तो मैं ये वाला कलर यहाँ पे नीचे देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करके मैं आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूंगा, कलर को पिक करूंगा और जस्ट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्लिक करना तो वैसे कलर यहाँ पे आ जाएगा। आप कलर पिक कर सकते हैं आई ड्रॉपर टूल की मदद से, आप कोई भी कलर आपने पिक करना है तो आप कलर पिक कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करें, कलर पिक करें, कलर का आपको यहाँ पे देखें तो आपको बता देता है कलर का आई ड्रॉपर टूल। अब देखिए RGB आपको साथ में इसकी वैल्यू बता रहा है 255 55C है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं, कोई भी अगर कलर आपने पिक करना है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाते हैं आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करते हैं और कलर आप सिलेक्ट कर लें, देखिए सब पे वही कलर फिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो देखिए कलर्स में फिल हो चुके हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने कलर दिया हुआ जी वाला कलर है, आप मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है बिल्कुल वैसा, तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूंगा, टूल पे क्लिक किया और जस्ट यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर लें, क्लिक करें तो देखिए कलर फिल हो गए। तो ये आई ड्रॉपर टूल का फंक्शन था। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो इनके कलर चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो रहे हैं और काफी सारे कलर है, हमने कलर भी दे दिए, स्टाइल भी से चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ नहीं इसकी फॉर्मेटिंग जो है नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग होती है वैसा ही हो, तो उसके लिए आप इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है क्लियर आल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो गया जी, क्लियर हो गया आपके पास, ब्लैक नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है वैसे टेक्स्ट में यहाँ पे आ गया। फिर मैं आपको बताता हूँ देखें इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और फॉर एग्जाम्पल बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सबकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम एक जैसी फॉर्मेटिंग हो जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है, तो आप सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। We'll be right back.